एंड स्काउट की वीडियो आपको दिखाने का सिर्फ यही एक रीज़न था कि आपको थोड़ा एनएलयू कल्चर के बारे में पता चले कैसा क्या होता है यहाँ पे। वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। एंड ये व्लॉग भी लास्ट व्लॉग की तरह अनप्लैंड था पूरी तरीके से। ये व्लॉग भी हम शूट नहीं करने वाले थे, बट समाउ हमें क्लिप मिल गई कुछ एंड परमिशन भी मिल गई व्लॉग डालने की। सो हमने सोचा वाई नॉट क्यों ना अपलोड किया जाए, एंड ताकि आपको सीरीज़ जो है पूरी फ्रेशर्स वीक की समझ आएगी। सो फर्स्ट डे जो मैंने ब्लॉग डाला था वो इंट्रोडक्शन वाला था कि भाई इंट्रो कैसे क्या लिया हम लोगों ने जूनियर्स का। काफ़ी फैमिलियर हो गए थे अब तक। एंड उसके बाद जो हमारा फ्रेशर्स वीक स्टार्ट होना था, बट फ्रेशर्स वीक स्टार्ट होने से पहले हमें आस्क आउट करने थे, मतलब हमें नहीं जो जूनियर बॉयज़ हैं जूनियर गर्ल्स हैं ना उन्हें आस्क आउट करना था सीनियर से। जो जूनियर गर्ल्स थी उन्हें सीनियर बॉयज़ से आस्क आउट करना था। ये कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था। एंड जो जूनियर बॉयज़ थे उन्हें सीनियर गर्ल्स थे आस्क आउट करना था। बेसिकली करना किस चीज़ के लिए था आस्क आउट? एक्चुअली जो फ्रेशर्स पार्टी होनी थी ना वहाँ पे कपल एंट्री थी, स्टैक्स भी अलाउड थे, बट जो कपल में जाना चाहे इंटरेस्टेड हैं साथ में चलने के लिए वो कर सकते थे। काफ़ी इनोवेटिव तरीके से आस्क आउट करना था। एंड उस चीज़ के लिए हमने प्राइज़ भी रखे थे कि जो काफ़ी इनोवेटिव तरीके से आस्क आउट करेगा उसे हम प्राइज़ देंगे। काफ़ी इनोवेटिव तरीके से किए थे सब ने आस्क आउट। एंड वो क्लिप मैं डाल नहीं सकता ऑब्वियसली, बिकॉज सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी रहती है। ऑल दो काफ़ी लोग कंफर्टेबल भी होंगे, बट स्टिल मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। लास्ट वाले ब्लॉग में भी मैंने कर दिया, बट ये वाला ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगा। कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गई थी आस्क आउट वाली चीज़ें। बाकी एनएलयू के भाई फ्रेंड्स मेरे बता रहे थे कि काफ़ी चल रहा है तुम्हारे आस्क आउट वगैरह का कल्चर, तो मैंने बोला भाई कि कैंपस नहीं है, बट हाँ ये सारी चीज़ें इन्जॉय करना है तो डीएनएलयू ज़रूर आओ। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से हमने पूरा फ्रेशर्स वीक मनाया है। मैं आपको भी बोलूँगा कि भाई कैंपस तो नहीं है हमारे पास, बट ये फ्रेशर्स वगैरह इन्जॉय करनी है तो काफ़ी तगड़े मज़े आने वाले हैं यहाँ पे। एंड भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, लोगों ने बारात निकाल दी थी भाई आस्क आउट के लिए। और मैं बता दूँ फॉर पॉइंट इन्फो कि भाई ये सिर्फ जस्ट फॉर फ्रेशर्स था। जो इवेंट्स होने थे उनमें पार्टिसिपेट करना था एज अ कपल, क्योंकि कुछ कुछ इवेंट्स जो थे कपल वाले भी थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे इवेंट कपल वाले थे, बट इन केस अगर आप स्टैक में हो तो आप भी पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। भाई जिसने मुझे आस्क आउट किया था उनका नाम यशिका सोनी था, जूनियर है ऑब्वियसली। काफ़ी इनोवेटिव तरीके से उसने भी आस्क आउट किया था कि जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो भाई उसने भी एक मस्त सी वीडियो बना के प्रेजेंट की थी। एंड ऑल दो भाई बाकी लोगों ने तो बहुत सारे पब्लिक गैदरिंग की थी उसके बाद आस्क आउट किया था, बट भाई मुझे इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। हमारा आस्क आउट भाई क्लासरूम में हुआ था, वीडियो में भी आप देखेंगे कैसा क्या रहा। भाई मेरा तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड मैं थोड़ा साइड टाइप का हूँ भाई, तो इसलिए मैंने पहले ही मना कर दिया था, बट फिर मैंने सोचा यार अब किसी का मूड बन गया तो स्पॉइल नहीं करना चाहिए। और क्लासरूम में भी था तो इतनी ज़्यादा गैदरिंग हुई भी नहीं, तो कंफर्टेबल तरीके से हो गया था। बाकी हाँ थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था इतने सारे लोगों के बीच में। एंड पहले वीडियो देखो फिर उसके बाद मिलते हैं अपन। Somewhere in my mind I had this idea of asking you out for freshers. So here I am asking you out for freshers night. As we have had chat before and we wished each other on our birthdays, hoping your answer is yes. So will you come with me to Ibiza? And if yes, you will receive flowers from Real Me. ऐसा कुछ था हमारा आस्क आउट। एंड होपफुली आपको मज़ा आया होगा। एंड ऑल दो जो स्टूडेंट एंड क्लैडस फ्रेंड जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई अगर आपको फ्रेशर्स के एक्चुअल मज़े लेने हैं तो डीएनएलयू इज़ द बेस्ट प्लेस।
बट ऑब्वियसली यार कोई फ्रेशर्स के लिए कॉलेज थोड़ी चूज़ करता है। बट हाँ थोड़ा सा इस ईयर से हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कराया पूरा, मतलब यूजुअली मैंने देखा भाई काफ़ी एनएलयूज में कि मतलब एक दिन का इवेंट रहता है फ्रेशर्स का, बस दैट से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट हम लोगों ने पूरा फ्रेशर्स वीक सेलिब्रेट किया था एंड स्काउट की वीडियो आपको दिखाने का सिर्फ यही एक रीज़न था कि आपको थोड़ा एनएलयू कल्चर के बारे में पता चले कैसा क्या होता है यहाँ पे। अभी आप लोग होपफुली आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं क्लैट की ये प्रिपरेशन कर रहे होंगे या करने का सोच रहे होंगे या किसी अदर लॉ कॉलेज से देख रहे होंगे, या जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो ट्रैवलिंग की वीडियोस भी देखते हैं कभी कभी, वो उनमें से अगर आप हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई कॉलेज का कल्चर कैसा है। सो दैट वॉज द ओनली रीज़न। तो दैट सेट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड अब काफ़ी तगड़े तगड़े ब्लॉग आने वाले हैं क्योंकि ये अभी तक के जो ब्लॉग थे ना, जो आपने ये वाला ब्लॉग एंड इसके पहले वाला ब्लॉग, ये ब्लॉग मैं शूट नहीं करने वाला था बट मैंने सोचा कि सिक्वेंस में समझ आएगा आपको इवेंट्स, सो इसलिए मैंने ये ब्लॉग भी पोस्ट किया। बट अब से जो नेक्स्ट ब्लॉग आएंगे ना वो प्रॉपर ब्लॉग आने वाले हैं, मतलब कि जो फ्रेशर्स वीक में जो इवेंट हुए हैं ना 6 दिन, सो वो उनके पूरे मैंने प्रॉपर ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, सो वो आएंगे एंड होपफुली वो उनको भी आप पसंद करें। बाकी लोगों के स्काउट की मैं आपको क्लिप्स तो नहीं दिखा रहा हूँ बट ओरली तो बता ही सकता हूँ। सो बेसिकली मैंने तो स्काउट वैसे ना जूनियर गर्ल्स के देखे ना जूनियर बॉयज़ के देखे, बट स्टिल मेरे पास स्नैप वगैरह आए थे तो जो मुझे परफेक्ट लगा था, जो बेस्ट स्काउट लगा था, वो एक जूनियर बॉय का था जिसमें कि उसने लेटर में पूरा मतलब एक जजमेंट और से कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिख के लेके आया था कि मैं आपको स्काउट के लिए मतलब ब्ला ब्ला कुछ ऐसा था, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट में लिख के लेके आया था अपना पूरा और उसने रीड करके सुनाया था। सो काफ़ी अच्छा लगा था, वो स्काउट भी क्लासरूम में ही हुआ था एंड वो मेरे को बेस्ट लगा था एंड प्राइज भी उसी बंदे को मिला था। सो जब वो स्काउट मैंने देखा था तभी मैं समझ गया भाई प्राइज इसी बंदे को मिलने वाला था, और हालांकि बाकी लोगों के मैंने स्काउट देखे नहीं थे तो मैं कंपेयर तो नहीं कर पा रहा था, बट स्टिल मेरे को वो बस बढ़िया लगा था स्काउट, बहुत ही इनोवेटिव तरीका था और बहुत काफ़ी क्रिएटिव था यार वो, मतलब मैंने सुना हुआ है वो किसी दूसरे एनएलयू में हुआ है बट स्टिल यहाँ डीएनएलयू में तो किसी ने नहीं किया था वैसा। सो और लोगों ने भाई पता नहीं फटाके अटाके तक फोड़ दिए तो वो तो भाई मेरे को फालतू लगा था, सच बता रहा हूँ मैं। ये भाई आपको इनोवेटिव बनना था यार, पैसे खर्च नहीं करने थे, पैसे खर्च तो कोई भी कर लेगा, इनोवेटिव आपकी क्रिएटिविटी तो दिखी नहीं ना उसमें फिर। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।